रॉयल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और रॉयल बुलेटिन का चुनावी सफर चलते चलते आप पहुंचा है थाना भवानी विधानसभा क्षेत्र के गांव भैंसवाल में। मैं आपको बता दूं, ये वही गांव है जिसमें किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी नेताओं का विरोध किया गया था। वहीं सरकार द्वारा अब किसान आंदोलन के जो कृषि बिल थे उन्हें वापस लेने का आश्वासन दिया गया है। उसी के बाद अब गांव की जो आबो हवा है वो कितनी बदली है या लोग अभी भी यहां बदलाव चाहते हैं, तो जनता से मिलेंगे, उनकी राय जानेंगे कि वो अब की बात अपना सरताज किसे बनाना चाहते हैं। उपेंद्र पवार। पवार साहब, क्या माहौल है चुनाव का? बम तो ठीक लगे बीजेपी का जी। क्यों? क्योंकि हम मान लिया उन्हें बढ़िया लगे, हम उन्हें वोट देने, अखिलेश तम चिड़े कि अखिलेश यूपी में ना हो और मोदी हमें सबसे बढ़िया लगे इस देश में, राष्ट्र हित में। क्योंकि जब वो यही थे, आज तक 8-7 साल पहले वे सिर काट के ले जा रहे थे, इनका चाइना तंग करा था, ना चाइना की हैसियत है ना पाकिस्तान की है, अंतर्राष्ट्रीय में वजूद बढ़ा। और योगी भी हमें ठीक लगे ना, अखिलेश तम इस भारत में सबसे ज़्यादा चिड़े, क्योंकि वो हम पे जट्टू पर सबसे ज़्यादा अटैक करता है और जैन तम चिड़ते नहीं बिल्कुल भी, योग और उत्तम सबसे ज़्यादा चिड़े। वो दोनों तो एक साथ हैं ना? बस वो उनकी अपनी राय है, लेकिन उससे हम चिड़ते नहीं, जैन तो हम चिढ़ते नहीं, रुस तो हम सबसे ज्यादा चिढ़े इस पूरे भारत में, और सबसे ज्यादा पसंद हमें मोदी है। तो जैन की मोहब्बत की खातिर नहीं जाओगे? नहीं, वोट तो इसलिए देंगे क्योंकि अगर जैन सीएम बनता तो वोट दे देते। सीएम बने अखिलेश, अखिलेश को हम चाहते नहीं, अखिलेश तो हम नफरत करे इस। तो फिर क्या होगा, बदलाव होगा या नहीं होगा? नहीं जी, हमें तो बीजेपी नजर आवे, बीजेपी आवेगी पूरी यूपी में। अच्छा, विकास कार्यों की यदि, विकास कार्य उनके नंबर वन है, विकास में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ना कानून व्यवस्था में योगी की बराबरी कर सकता, थोड़ा हमें पेमेंट की समस्या जरूर है। तो मतलब वो पेमेंट सही करवाते रहो तो फिर वे सब तो ऊपर है। पेमेंट के लिए मतलब सरकार को विचार करना चाहिए। हाँ, पेमेंट पे जरूर करना चाहिए, ना आज डंगर खुलते, ना रात को हमें खेत में डर लगता, ना लड़की जाए स्कूल में जुकर पहले भी करे थे, ना छेड़छाड़ने वाले पाते, वो उनका कानून व्यवस्था नंबर वन है। ऐसी किसी के आज लो यूपी में कानून व्यवस्था ही नहीं, सेंटर में मोदी जैसी नहीं आई, या इंदिरा की आई पहले, या तो अति राष्ट्र के लिए सच्ची ईमानदार या मोदी है। अच्छा, अखिलेश जी ने कहा योगी जी पे इतने मुकदमे दर्ज थे, अखिलेश तो हमें इतनी नफरत है इस भारत में किसी तो नहीं, हम इतने चिढ़ते जितने हम अखिलेश तो चिढ़े, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रहा। जट्टू को आरक्षण मिला था तो उन्होंने को हाईकोर्ट में अपील करी थी 3 बार उस टाइम जब हमें बीजेपी ने आरक्षण दिया, क्योंकि वो प्रक्रिया के तहत आरक्षण दे रखा था, इसीलिए उनकी हिम्मत नहीं बढ़ी उसे छेड़छाड़ नहीं करने की। वो तो अगर यूपी में आया सीधा मिला उसका हमारे पर, उसमें जो तरीके था वो हमें जब भर्ती हो उसमें वो यादव बल ले हमें हटा दे हमारे बड़ू को सरू को, तो उसका बढ़िया तो कोई हो, हमें योगी बढ़िया लगे और उस तो हम चिढ़ते नहीं, वो हमारा है। अच्छा, किसान आंदोलन के दौरान आपका गांव बड़ा चर्चाओं में रहा था, बीजेपी नेताओं का विरोध हो या फिर आंदोलन में दस्त पहुंचाने की बात हो, देखो सबकी अपनी अपनी राय है। वोटिंग में दिन देख लियो, यहाँ बीजेपी की वोट बढ़िया लिखेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो कमल खिलेगा एक बात? हाँ, योगी बना कट का सीएम पूरी यूपी में, सबसे ज्यादा वोट है उनकी यूपी में, टोटल में सीट भी उनकी आवागी सबसे ज्यादा। रमेश पवार। रमेश जी, चुनाव आ गए एक बार फिर। हाँ, चुनाव आ गए। क्या माहौल है? माहौल बहुत नड़के का है। क्या कारण है? कारण बहुत कुछ है, एक तो सदा उसका बाबा पिताजी सब किसान हित में रहे, मिल लगवाई हमारे क्षेत्र में गन्ने की, हमारी अर्थव्यवस्था ठीक करी उन्होंने। नंबर दो, इस पे भी आस कर रहे, नया लमडा है, जीत जगह हमारी रुक रहेगा हमेशा। भाजपा ने क्या दिया, महंगाई दी, सख्त कानून बनाए, हर चीज़ सख्त रहे, बस जो कर दिया वही हो गया, ऐसा कुछ ऐसी भी होना चाहिए। वहाँ 13 मई इन्ने धरना रहा दिल्ली, किसने सुना? कहाँ गई थी बीजेपी जी, बड़े बड़े मंत्री भी है, टू हर दीवार पर हारे, घर पर हारे भाई, नौकर आ गए जी, कहाँ गए थे? आश्वासन तो दे दिया सरकार ने वापस लेने, आश्वासन दे दिया, झूठा दे दिया। इवलो कौन सी चीज़ पर होया? MSP पे नहीं होया, कमेटी नहीं हुई, कुछ भी नहीं होया इवलो। तो आसमान हमें तो इस नए चेहरे पे है उम्मीद, नया चेहरा क्या दे रहा है आगे चल के? योगी जी कह रहे अखिलेश तो जयंत तो बच्चा है। अरे बच्चे सही तो बड़े होया सब, ऐसा एकदम ही गद्दी बजा लिया, कौन सा जा लिया, बच्चे से ही तो शुरुआत हुई सबकी। तो हमारी यही उम्मीद है, नया लड़का है, दोनों ही नए लड़के, जो गलती चलो बचपना पहले करी थी वो जरूरी थोड़ा अभी का फिर दंगा करवाओगे, अभी का करवाओगे फिर जमा में तो चले जाएगा। तो पहले कराया था विपक्ष वाले, तो कह रहे करवाया था और होया भी था, चाहे वो किसी कारण भी होया, तो ऐसी गलती भी ना करे, हो समझेगा इस बात को, महसूस भी कर रहा होगा।
अच्छे दंगे के दौरान भाईचारा भी बड़ा खराब हुआ था। हाँ इब नहीं है भाईचारा, इब तो हिंदू मुस्लिम तो होना ही नहीं, समझ गए। जाट भी और मुसलमान भी दो ही कौम में हुआ था, और बिरादरी तो सारी दूर रहे। अच्छा विकास कार्य भी हुए कुछ? विकास हुए, सड़क भी बनी ठीक है जी, और वैसी योजनाएं भी आई, पर विकास की सेहत कि सबसे बड़ी बात हमारी क्षेत्र में गन्ना बेल्ट है। गन्ने का पेमेंट पर निर्भर है किसान, गन्ने का पेमेंट होया नहीं, घर का मंत्री बाहर का हो तो कहे भी ना। यो हमें किसानों को सब्सिडी देता किसी चीज में, गन्ने का पेमेंट करवाता था कोई भी नहीं, अलावा थी भाजपा को। तो क्या मानते हैं बदलाव होगा या फिर? बदलाव होगा हमारे क्षेत्र में तो होगा, हम तो अपने घर का जान सकते हैं कि वह चाचा। तो बदलाव से मानते हैं किसान को? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा। मेरा उपेंद्र सिंह है। भाई विकास के मुद्दों को लेकर जाएंगे, जो विकास चल रहा है इसमें यूपी में, गुंडागर्दी खत्म है, छेड़छाड़नी खत्म है। पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़े रोज चले थे यूपी में, हिंदू भी बहुत मारे गए, मुसलमान भी बहुत मारे गए, बहुत के परिवार उजड़ गए। पीछे डांगर खुलक रहे थे बहुत ज़्यादा, मिल में जा रहा था किसान करने ले गए, उसका जोटा खोसले थे। तो ये बहुत समस्याएं हैं, जब से योगी आए जब से हिंदू मुस्लिम का झगड़े भी नहीं है। अच्छा गठबंधन तो कह रहा कि जो है लोग त्रस्त हैं यूपी में पूरी तरह। हम त्रस्त नहीं हैं, हम तो बेफिक्र लौटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। योजनाएं बताती हैं सरकार तमाम की हमने चलाई, आपके नहीं कुछ लाभ मिले लोगों? अरे हमारे सामने तो चल रही है योगी की वजह से चल रही है। योजनाओं के लाभ मिले कुछ? हाँ लाभ बहुत हैं, बिजली का है, पानी का है, सड़क है, छेड़खानी है, सुरक्षा है अपनी, बहुत योजनाएं हैं। अच्छा सपा और आरएलडी भी एक साथ आ रही है, बसपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है, तो किसका पलड़ा भारी है यहाँ पे? अरे हमारी नजरों में तो बीजेपी का है, मेन मकसद है हमारा योगी मुख्यमंत्री जाना चाहते दोबारा। अखिलेश तो कह रहे मठ में भेज देंगे वापस दोबारा बाबा को, उसकी हिम्मत नहीं है भेज दे। योगी जाएंगे फिर? हाँ योगी आना जहाँ ऐसे है, जो सपा की हटके फिर सरकार आएगी तो यहाँ से औरतों के लड़कियों के चीरहरण होंगे दोबारा, जो महाभारत में द्रौपदी का विधान है, और तो फिर वे पीरण होने के बाद योगी को फिर पुकारेंगे, जैसे कृष्ण जी को पुकारा था हमने द्रौपदी ने। कृष्ण जी तो उनके सपने में आए थे भी अखिलेश यादव के? भाई सपने में तो पता नहीं क्या हुए, सपने तो पूरे थोड़े हैं सारे, तो लड़कियों की भी औरतों की सबकी जो इज्जत बचानी तो सरकार यही लानी पड़ेगी, यानी चीरहरण होंगे, पकड़ी धड़की होंगे, सारे काम होंगे, छेड़खानी भी होगी, सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है सरकार। कैर सिंह जी कहाँ के रहने वाले? यहाँ के हूँ, मूल निवासी का ही। अच्छा चुनाव आगे फिर से है, मेरे सबको पता वायदे हो रहे बड़े बड़े, क्या लग रहा? सारी कर रही वायदे तो भाई सारे ही करेंगे, काम कौन सा नहीं करने का चौदा बिल्कुल नहीं बात कर रहा। तो भाई मैं तो मेरा तो मतदान ही है, इनका सालों को झाड़ू मार कर झाड़ू वाल के वोट दे दो बस। आम आदमी को? हाँ आम आदमी। ऐसा क्यों लग रहा आपको? झाड़ू वाला बढ़िया रहेगा भाई, ये सारे खाओ पी हुआ है। और आती का क्या होगा? आती पाती तो फूल फाल ये सब वैसे ये पुरानी पार्टी भैया, नई पार्टी जमाओ ना, गलत तो नहीं जो हमारा विकास करे, बिजली फ्री दे। क्यों बीजेपी सरकार में नहीं विकास हुआ भाई? तो इनकी तो अपना हिसाब किताब है, जब 4 रुपये का दिन नहीं कल कुछ ज्यादा भी कर सके, 15 भी कर सके, 20 भी कर सके। ये कह रहे हमने मकान भी दिए गरीबों को, किससे दे दिया? मकान हमारे गांव में कोई मकान नहीं, हमारे गांव में कोई मकान नहीं, आप कुछ नहीं मिला यार, बदलाव होना चाहिए यार, बदलाव। ऋषिपाल? अच्छा ऋषिपाल जी बहुत उम्र होगी आपकी। हाँ सरकारें अदलती बदलती देखी होगी आप? हाँ बहुत देखी। कौन सी अच्छी रही आज तक? मतलब चौकी भाई भाजपा है ना, तो डर है ना कर है, इससे बढ़िया और पार्टी है ही नहीं, और क्या लोक दल जो है मारा है ही विकास करूँगा। भाजपा ने विकास नहीं करा है? विकास नहीं करा भाजपा ने? हाँ करा विकास, बहुत करा, पर गुंडे गंदी तो खत्म करी है ना, पर एक पेमेंट ही नहीं हो रहा, पेमेंट की दिक्कत है बहुत सारी, बिजली का बिल बढ़ गया, फलाना बढ़ गया, ढिकड़ा बढ़ गया, सारी चीज बढ़ती जा रही कि हमारा पेमेंट भी नहीं होने का 15 दिन। कौन दिलवाओगा पेमेंट? सरकार दुआवे? कौन सी सरकार दुआवेगी? कोई पहले कांग्रेस ने दुआ,
अब किससे उम्मीद है? इब किससे उम्मीद है? इब तो देखेंगे बा कोई पार्टी तो होंगे। हाँ, कौन सी कौन है नजरों में? नजर में नजर में अपना लोकदल है भाई, लोकदल से उम्मीद है। हाँ उम्मीद है ठाडू, तो बदलाव होगा अब की बात यहाँ। हाँ बदलाव होगा पूरा अड़के। टिंकू है जी। टिंकू जी क्या माहौल है चुनाव का? वह चुनाव का भाई इसका है गठबंधन का हिसाब है बहुत बढ़िया। क्यों जो भाई सरकार बेकार है कितनी, किसानों का बेकार, सब चीज़ों के लिए बेकार है। जाकत बैठे लेकिन जिंदगी बेकार होगी, उम्र नहीं करेगी इनकी, कहाँ जाके जाए, थोड़े थोड़े खोड़ है भाई। गन्ना मंत्री, गन्ना मंत्री कितने बेकार है, कितने भुगतान नहीं करवा, कितने भी बेल बजाय का झंका ही नहीं, किसानों का पेमेंट हो रहा नहीं हो रहा, झूठों कहता वह भुगतान करवा दिया। विकास कार्य कैसे रहे? कुछ नहीं रहे। क्या हो रहा, क्यों हो रहा विकास बताओ, तभी तुम भी देखो ना, कुछ नहीं हो रहा। अरे बिजार छोड़ रखे गड्ढे में, बता रहे इसको भाई बाहर फड़े जाएगा कि अपने घरों फड़े डांगड़ों का पैरा दे। हैं, कुछ नहीं है, यही तो सुरक्षा है, अपना बिजारों की सुरक्षा कर रहे हैं हम, अपनी कर रहे हैं खेत की, कर रहे क्या कर रहे हैं हम बताओ। दिक्कतें हैं बहुत, बम तो मैं तो ये कहना भाई गठबंधन हो रहा, नलका छलका लोकदल जिंदाबाद। अखिलेश जी और जयंत चौधरी एक साथ आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं जी। तो कितना प्रभाव डाल देंगे? बहुत डाल देंगे, सीट निकलेगी बढ़िया, सीट निकलेगी। हाँ जी, जितनी सीट है शायद निकलेगी इनकी। योगी जी कह रहे हैं 80-20 का चुनाव है, कुछ ही कहो जो योगी जी, तो क्या पता नहीं योगी जी क्या कहेंगे। हाँ तो योगी जी गलत कह रहे हैं। बिल्कुल, तो नल चलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए। नहीं भाई कमी गिनना चाहना, क्योंकि उन्होंने हम ज्यादा एक बार ज्यादा गिना है। नहीं नल चलेगा या कमल? नल का चलेगा, नल चलेगा, खूब चलेगा, बढ़िया भरमा चलेगा। योगी जी कह रहे कि लोग जो है 2013 के दंगे नहीं भूल सकते। नहीं करवाने वाली भी तो यही है, हिंदू मुस्लिम करवाए जो उन्होंने, हिंदू मुस्लिम एक है, ये भारत है, हम इनता विचार होता है, कोई बात नहीं। समाजवादी की थी तब। अच्छा तो कहे कि उन्होंने चलवाए करवाए तो उन्होंने यही दंगा, ये ना थोड़ा करवा देगा ना करवा दिए जी। भाई जी तो परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा जी, सरकार में बिल्कुल होगा, हम तो चाह हो बिल्कुल, और होगा यहाँ तो। सहदेव सिंह, सहदेव सिंह जी चुनाव आगे। हाँ क्या होने चाहिए इस बात? बस लोकदल की वोट देंगे हम, जितना जाने इतना बता दिया। लोकदल की वोट? हाँ लोकदल की, बीजेपी सरकार ने ना ना हमारे लिए ठीक नहीं करा। क्या गलती करी? गन्ने का पेमेंट नहीं आया, कुछ जाक तुका वो नहीं करा, इब सड़क बनवा दी, उसमें टोल टैक्स लगवा दे, सड़क के अपने घर तक बनवा दी। और आप कह रहे गन्ने का पेमेंट नहीं आया? हाँ मंत्री जी आपके विधायक हैं। हाँ हाँ, ये नहीं तो पेमेंट नहीं करवा मंत्री जी ने। हाँ तो नाराजगी किससे है मंत्री जी से, बीजेपी से? नाराजगी हमारी मंत्री से है ज्यादा। अच्छा बीजेपी से नाराज? ना बीजेपी से है नहीं, नाराजगी है मंत्री से। तो फिर किसके साथ जाओगे? ना जागे लोकदल पे। लोकदल के साथ? हाँ लोकदल पे जा। हरीश चौधरी। चौधरी साहब चुनाव आ गए एक बार फिर, आगे बड़े बड़े दावे हो रहे, क्या मूड है? मूड तो यहाँ ज्यादा तो गठबंधन का है। क्या कारण है? कारण ये है कि सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई, तेल के दाम इतने हो गए, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, गरीब आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही। अच्छा दूसरा जो है कि नहीं भाई, जो पहले भ्रष्टाचार था पहली सरकार में, जो वो मतलब मानेंगे 100 रुपये तो 500 पर ख़त्म होता, इसकी 500 तो स्टार्टिंग है भ्रष्टाचार में, हर महक में भ्रष्टाचार बैठे। सरकार कह रही भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया यूपी? हाँ तो सरकार तो कहेगी भ्रष्टाचार मुक्त है, पर सरकार को भी तो बताओ कि कौन से महकमे में रिश्वत खोरी चल रही, ये बताइए आप। अच्छा विकास कार्यों पे भी बड़ी दावे हुए हैं सरकार? नहीं कहाँ का विकास यार, सड़क की बात आएगी, ये सड़क बनने लग रही है, ये लोकल सड़क देखो सारी टूटी पड़ी, हाईवे बनने लग रहे, हाईवे प्राइवेट में है, सब प्राइवेट कंपनियों के है, टोल वसूल लेंगे सरकार, जनता का पैसा खींचेंगे, सरकार ने कौन सी सड़क बना दी। अच्छा आपके मौजूदा विधायक गन्ना मंत्री भी हैं, किस प्रकार का विशेष कार्य गांव में हुआ? गन्ना मंत्री ने भी जो कुछ भी गन्ना मंत्री ने कराया वो तो सबको पता, यहाँ तो मुझे तो लगता नहीं देखो गन्ना मंत्री का कोई कार्य है, एक आध खड़ूंचा बनवा था शायद पिछले साल वगैरह, कोई और तो कोई है नहीं। तो क्या होना चाहिए अब की बात? देखो जनता का मूड तो जो है नहीं परिवर्तन का लग रहा मुझे, आपके अनुसार परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन चाहिए।
परिवर्तन से मतलब जो किसान है, जैसे किसान बेल्ट है, मानते हैं किसानों को राहत मिलेगी? नहीं मिलेगी, किसान उसे पलट देंगे। भाई एक बात बता, इन्होंने वादा करा था 14 दिन में भुगतान होगा, और 400 का भाव का वादा करा था, गन्ने का ही करा था, मजदूर की मजदूरी बढ़ावेंगे वो करेंगे, तो नहीं वादा पूरा करा, तो अब की बारिश हटा रहे। और वह वादा जो करी 300 यूनिट बिजली देगी, भाई बिल माफ करेगी, 15 दिन में भुगतान करेगी, मजदूरों को जो है कि नहीं वो बनवाओगे, मनरेगा में ज़्यादा कार्ड बनवाओगे, बहाली करेंगे, रास्ते देंगे, सुरक्षा देंगे, डायल बारह बढ़ावेंगे, मैं बढ़िया करेंगे, तो ना रख लेने दे दें, कौन सा बंद रहा कोई किसी का। किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी नेताओं का इस गांव में विरोध हुआ था, हुआ था, अब क्या माहौल है? एक बात बताओ, 13 महीने किसान आंदोलन कर रहे हैं, और वे किसान को आतंकवादी बतावेंगे, खालिस्तानी बतावेंगे, परजीवी बतावेंगे, तो किसान उन्हें लड्डू देगा? लड्डू देगा क्या? किसान के पास तो विरोध करना है, लाठी बजानी किसान के पास नहीं, क्योंकि किसान तो इतना कमजोर कर दिया कि उसके पास का तो कुछ है ही, छोड़ा ही नहीं। मुकदमे भी बता दे दर्ज हुए आपके गांव में? नहीं, मुकदमे तो एक बात बताओ, जब आंदोलन होगा तो पहला सबसे पहला तो काम मुकदमे का ही हो, किसान मुकदमे तो डरता, आंदोलन करने तक डरता, उन डरता, तो बदलाव करेगा किसान? बदलाव करेगा। रविंदर चौधरी। चौधरी साहब, इलेक्शन आगे, चुनावी वायदे हो रहे बड़े बड़े, हाँ जी, तो क्या लग रहा? वायदे तो ये 5 साल से झेल ले किसान, ये 5 साल से वायदे ये झेल ले किसानों ने, ये अब समय है, अब उन वायदों को ये ब्याज सुधा उनके वापस करा दें। अच्छा, सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं किसानों के? हाँ जी, हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ जी कि 5 साल से वायदे सुनते आए हैं जी, अब समय आया है कि उनके जो वायदे उन्होंने किए थे उन्हें ब्याज सहित उनके वापस कर दें। अच्छा, बहुत धोखा हुआ है किसान के साथ में, बहुत ही धोखा हुआ है। किसान आंदोलन के दौरान आपके गाँव से मतलब काफी आपके गाँव बहुत हाँ जी हाँ जी, गाँव ने बहुत सहयोग, गाँव ने अपने अपने हिसाब से बहुत सहयोग किया है। बीजेपी नेताओं का विरोध भी इस गांव में हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ जी, संजीव बालियान जी को यह जी गांव में घुसने नहीं दिया, ठीक है जी, कोई संजीव बालियान जी का विरोध नहीं था, विरोध सरकार का था। अच्छा, अब सरकार ने आश्वासन दे दिया है बिल वापस लेने का? नहीं, बिल तो वापस हो गए, बिल तो वापस हो गए, लेकिन उसके साथ में जो है एमएसपी थी और मुद्दे थे, उन्होंने कहा कि सत्र में कर देंगे, नहीं किया, तो मुकदमे वापस लेने की बात हुई थी, नहीं वापस लिए किसानों से। किसान आंदोलन खत्म हो गया? हाँ जी, तो क्या विरोध भी खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, विरोध कैसे खत्म हो जाएगा, विरोध कैसे खत्म हो जाएगा जी, उसका यह है जो एक्शन है उसका रिएक्शन अब यह 10 तारीख में यह हो जाएगा। इतनी नाराजगी क्यों? बहुत ज्यादा किसान के साथ में बहुत यह धोखा हुआ है, बहुत छल यह हुआ किसान, बहुत छला गया किसान जी। तो क्या होना चाहिए? 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे, दोगुनी कर देंगे, आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन उसके खाद डीजल बीज है जरूर जा रहे दुगने हो गए। तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि ये सरकार के विरोध में वोट करेंगे, ठीक है जी, और हो सकता है दूसरी पार्टी ये जो वादे कर रही है हम वहाँ भी चले जाएँ, मैं ये नहीं कहता कि नहीं नहीं वो ये ठीक करेंगे, बाकी जैसा होगा ईश्वर आदीन है जी। उम्मीद किससे है? उम्मीद है जी ये जो ये आपका गठबंधन है, गठबंधन से उम्मीद करते हैं। गठबंधन से जी जी जी। अच्छा, पिछली बार जो वोट करी होगी तो बीजेपी को करी होगी? हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या था जी, पिछले दफ़ा ये हमारे यहाँ से जो है जी ये कैंडिडेट खड़े थे डॉक्टर जो है सुधीर पवार, तो उस शर्म लिहाज में ये जी गांव जो है उनके साथ था काफ़ी हद तक। अच्छा, पहले भी समाजवादी पार्टी समाजवादी के थे, लेकिन 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 लोग जो है समाजवादी के साथ नहीं थे बल्कि डॉक्टर सुधीर पवार के साथ में थे। अभी किसके साथ हो? अब जो है जी भाई अशरफ अली के साथ में संयुक्त। हरबीर सिंह। हरबीर जी, चुनाव आगे एक बार फिर किन मुद्दों को लेके जाओगे मतदान करने? मुद्दे तो अनगिनत है भाई साहब। जैसे जैसे क्या? सरकार से कोई सी भी आ जाओ, किसानों के भी पक्ष में चले सब एक तरफा। अगर सुरेश राणा जो है गन्ना का पेमेंट सही पे टाइम पे कर देता आपके, तो भाजपा को के कैंडिडेट को कोई हराने वाला नहीं था यहाँ से, मानोगे आप ये बात? तो आगे जो है इसकी सरकार आ जाओ चाहे अखिलेश की, अब समस्या जो की तो है वो की हुई, वो जो है अपने हिसाब से लेकर चलेगा,
ये नहीं चलेगा। तो आपके जो है चौधरी साहब बेटे हैं। हाँ चौधरी साहब के बेटे हैं, चौधरी साहब के बेटे तो हैं, लेकिन चौधरी साहब भी ठीक नहीं चलता कभी भी। जो सत्ता में पार्टी है उसके साथ मिलकर नहीं चलता कभी भी वो है, उसके भी फिर चलेगा बिल्कुल। और तो ये फिर किसानों की समस्या फिर झुकी तुकी रह जा, तो ना उम्मीद हो चुके राजनेता। हाँ ना उम्मीद ही हो चुके मेरे हिसाब से, बिल्कुल जो है सबको जो है मना कर देने चाहिए, चुनाव बंद कर दो इससे अच्छा तो ये। अब सारी सरकार जो है किसानों के ऊपर रोती फिर है, किसान का होना चाहिए, अब किसान का ही होता नहीं। कल अखिलेश और जयंत आए थे बड़े बड़े नहीं वादे के, बिल्कुल विरोध करते चुनाव का, 12 महीने चुनाव रहे, कभी कहेंगे कभी कहेगा, बस जनता को उड़ जाकर रखे और कुछ नहीं है इसके सिवा। तो किसी पे भी विश्वास नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा किसी पे विश्वास, गठबंधन आम आदमी पार्टी। हाँ किसी पे विश्वास नहीं, कोई विश्वास नहीं किसी पे नहीं, सब अपना खजाना भरने के चक्कर में है और कुछ नहीं है। आपका पंकज शर्मा है जी। पंकज जी चुनाव आ गए एक बार फिर, कितनी सफल रही सरकार? बहुत बढ़िया रही जी। क्या हुआ? गुंडागर्दी खत्म है, भ्रष्टाचार खत्म है, बस सारी चीजों की सुख सुविधा सब बढ़िया चल रही, राम राजा राजी। अखिलेश जयंत की जोड़ी भी तो आ रही। अखिलेश जयंत का कुछ नहीं उठता दिल्ला यहाँ। क्यों? ना कुछ नहीं उठता जी, अखिलेश के राज में तो गुंडागर्दी थी, मारकाट थी, अखबार में रोज आवे था, रोज देख लो अखबार में सारे के सारे पन्ने भरे पड़े रहते, कहीं चोरी कहीं डू लूट कहीं डकैती कहीं अपहरण कहीं फिरौती, यही चल रहा था जी सब। अब सुख शांति है, अखबार में खबर भी ढूंढी नहीं पाती। विधायक जी कैसे रहे आपके? विधायक जी बहुत बढ़िया हैं हमारे, हमारे 5 साल में कम से कम 30-40 बार तो आई लिए यहाँ। विकास कार्य बहुत बढ़िया चल रहा है जी हमारे यहाँ, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है विकास कार्य की। अच्छा आप ही के गांव में जो है किसान आंदोलन के दौरान विरोध हुआ था बीजेपी नेताओं का? हुआ था जी, वो तो एक मोहल्ले की बात है, जिस साइड में है सुधीर पवार जी उसी साइड में विरोध हुए, और तो पूरे गांव में कहीं कोई विरोध नहीं है। तो क्या होना चाहिए, नल चलना चाहिए या फिर कमल खिलना? नहीं नहीं कमल ही खिलेगा जी सारे में, सुख शांति राम राज है, बहुत बढ़िया सरकार चल रही। अखिलेश तो कह रहे मटमे भेज देंगे तो वापस वो मठ में तो वही जाएगा, बाबा तो कहाँ जाएगा, वो नहीं बाबा जी नहीं जाते मठ में। तो फिर योगी सरकार? बिल्कुल योगी सरकार 100%। नाम समरपाल। समरपाल जी चुनाव आ गए। हाँ जी बड़े बड़े वायदे हो रहे बिल्कुल। क्या मन है? मन तो जी RLD। क्यों क्या कारण है? वे बेरोजगारी और जो है पेमेंट की समस्या है और महंगाई कितनी चरम पे है, हर चीज बहुत महंगी हो गई है, तो इस वजह से RLD। अच्छा पेमेंट की समस्या आप बता दें, गन्ना मंत्री तो आपके यहीं से? हाँ गन्ना मंत्री हमारे यहाँ से होते हैं, पेमेंट पिछले साल का भी नहीं हो पाया है। हाँ जी और क्या कुछ समस्याएं हैं? और बच्चे हमारे नहीं फिर हैं, बेरोजगार फिर रहे। हाँ कोई रोजगार नहीं है, झूठे ना झूठे झूमले सरकार के। अखिलेश और जयंत की जोड़ी आ रही? हाँ जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद से है बढ़िया काम करेंगे, दोनों युवा शेरा हैं और बढ़िया काम करेंगे। तो मानते हैं कुछ मतलब किसानों के लिए कुछ? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, कति किसानों का होगा जी। और अगर इन्होंने भी ऐसे ही कर दिया? नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल किसानों की समस्या सुनेंगे, पहले भी अखिलेश जी ने बढ़िया काम कराया। तो पूरा विश्वास? हाँ जी पूरा विश्वास है जी, पूरा बढ़िया पूरा विश्वास है जी पार्टी पर। हमारा नाम यशवीर है भाई। यशवीर जी इलेक्शन आ रहे? हाँ जी। वायदे हो रहे बड़े बड़े चुनाव में, क्या माहौल है आपका? हमारा माहौल है, हम BSP के आदमी है, हम भाजपा भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने के, भारतीय जनता पार्टी ने वादे करे, कोई वादा सपूर्ण करा? बताओ कौन सा पूरा कराया उसने वादा? कौन से वादे पर खरी नहीं उतरी सरकार है? बताओ कौन सा वादा उसने पूरा कराया भाई? एक तो बच्चों की पढ़ाई में लेकर चलो, बच्चों की पढ़ाई में सब परेशानी हो रही लोगों को। दूसरी बात है, सारा देश में कोई सब नौकरियां खत्म कर दी, बच्चे हमारे लिख पढ़ का नहीं खराब, लिख पढ़ का बच्चे खराब रह गए, नुक्के नहीं रह गए। तीसरी बात है, सारा रेलवे है सब प्राइवेट में, सब महकमा प्राइवेट में दे दिया। तो भाई हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाह रहे यहाँ के लोग। अच्छा जैसे BJP का 5 साल का कार्यकाल रहा, विकास कार्य कैसे हुए क्षेत्र में? विकास कार्य ठीक रहा, पर बाकी जो बच्चों की लिखाई पढ़ाई थी वह तो नष्ट होगी ना, वह तो खत्म होगी ना। सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही? सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया रही, अच्छी रही। गुंडागर्दी खत्म हुई? गुंडागर्दी नहीं,
पर बाकी जो आने वाले बच्चे हैं, छोटी पीढ़ियां हैं, वे उनका तो जीवन नष्ट हो गया ना। क्यों भाई? न तो नौकरियां रही, सब खत्म कर दी नौकरियां भी। क्यों? प्राइवेट में दे दी उसने, प्राइवेट में दे दी तो बच्चे कहाँ क्या करेंगे? बच्चे तो वो सड़कों पर घूमेंगे। तो कौन देगा नौकरी? नौकरी? अरे नौकरी जी प्राइवेट में, सरकार ने प्राइवेट में भेज दिया। किससे उम्मीद है अब आपको, कौन देगा नौकरी? नौकरी पर नौकरी तो दूसरी सरकार देगी, रोजगार तो देगी, कहीं ना कहीं तो ढूंढ कर देगी। जी योगी जी मोदी जी ने सब प्राइवेट में ला दिए, तो फिर दूसरी सरकार पास आस रखोगे? अच्छा विधायक जी आपके गन्ना मंत्री भी हैं, हाँ, उस लिहाज से क्या विशेष कार्य गाँव में हुए? बस उसके विशेष कार्य ठीक हुए, हम ये नहीं कहते वो कार्य नहीं है, कार्य हुआ, उसके विकास हुआ। अच्छा विकास हुआ, हाँ, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी, सुरक्षा बदलाव की बात क्यों? बदलाव की है ना, हमारे बच्चों का जो लिखाई पढ़ाई का वो था, शोषण हुआ, शोषण हुआ। जब भी अब बताओ, कई महीने से, एक महीने से बच्चे घर बैठे, पीछे जब लॉकडाउन लगाए तो वो लॉकडाउन लगा दिया, जब बच्चे पीछे बच्चों के तो एक महीना साल भर से अंदर बिठा दिया। तो महामारी के कारण भी लगाना पड़ा होगा ना लॉकडाउन। हाँ तो कौन है विकल्प? हम तो बीएसपी को पसंद कर रहे हैं यहाँ के लोग, बसपा। अखिलेश जयंत भी आ रहे? हाँ अखिलेश जयंत को भी है, वो भी दूसरे नंबर पे है यहाँ, पहले नंबर पे भी, दूसरे नंबर पे अखिलेश है, पहले नंबर पे बीएसपी को ले रहे हम तो। और बीजेपी? बीजेपी को नहीं हम चाह रहे भाई। बीजेपी कौन से नंबर पे है फिर? यहाँ से बीजेपी तीसरे नंबर पे ले रही है। ओमवीर सिंह? ओमवीर सिंह जी चुनाव आ गए, क्या मूड है आपकी? मूड तो परिवर्तन चाह रहे हैं भाई। क्या कारण है भाई? कारण तो ढेर हैं भाई, इसमें मेन तो गन्ने का ही है, फसल का है, टाइम पे पेमेंट नहीं है, मजदूरी इतनी बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, बिजली का बिल चार गुने कर दिए, कालो भरा में पैसा मिलता नहीं, अपना अगर इनका है हमारा पेलेंटी लगा अपना काट लें, हमारा दिन है। सरकार कह रही किसान निधि मिल रही, हाँ क्या हो 2000 रुपये में, इन्हें तो बीड़ी पी जा आदमी एक दिन में, 2000 रुपये क्या माने हैं आप? इसे उल्टी राख लो, हमारा हरियाणा वाला बरबिल कर दो, जरा सुनिए हरियाणा वाला बरबिल कर दो, हमारी उल्टी नहीं लगने को और भाई लग नहीं इस तरह। अच्छा विकास कार्यों की यदि बात करी जाए तो कैसे रहे इस क्षेत्र में? विकास तो पूरा दबा गया, राज्य विकास तो मेरे हिसाब से नहीं, एक मिनट, मेरे हिसाब से जितने लड़के 5 साल में हो रहे हुए उनका क्या होगा? जो 5 साल में भर्ती नहीं लड़ी, जिनकी उम्र लड़ गई हुई तो अंधकार में चलेगा मामला, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो नौजवानों को भी हो रहा है भाई। सरकार तो बड़े बड़े रोजगार हाँ बस लगाए रही जी, हमें तो कहीं दिखे ना रोजगार भी नहीं कहाँ है, कहीं कुछ नहीं है, सब जीरो हो रहा है मामला। तो कौन इन समस्याओं से समाधान दिला पाएगा भाई? जो इस मामले में लिखा वही दुआ था, ये पता खेती कहाँ और कुछ करो के खर्चा और क्या आमदनी हो उसे पता, इन्हें क्या पता बेचारे को? कौन है इनमें निकला हुआ है? कौन है निकला हुआ इन कामों में? हमारे वाले हैं। कौन? चौधरी साहब, चौधरी साहब हैं, अखिलेश है, इन्हें पता भी, वो तो कह था अखिलेश ने कहा पर हो इतने, अगर मेरे 150 आलू हैं बता दो, योगी का मोदी का 1 बीघा भी हो, आलू की फसल बता दो, इनका 1 बीघा भी हो, मैं तो 150 आलू, हम पता कहाँ हो कैसे हो कुछ करो। योगी जी कह रहे हैं हम गन्ने की बात करते हैं और अखिलेश जी जिन्ना की बात करते हैं। नहीं वो तो उनका अलग मामला है, गन्ना जीतता का गन्ना पहले जीतता था, गन्ना जीतता का गन्ना पहले जीतता था, पहले जैसे नहीं करी थी हमली जिन्ना और गन्ना, हाँ गन्ना जीतता का जी, गन्ना जीते हाँ, मतलब आरएलडी या फिर बीजेपी? नहीं आरएलडी का है, गन्ना जी योगी का है, लपेट रहा हो। राजिंदर? राजिंदर जी कहाँ के रहने वाले? भैंसवाड़ के। अच्छा क्या स्थिति है अब की बार चुनाव में? बढ़िया है। किसका माहौल है? योगी जी का। ऐसा क्यों है? है जी सरकार उनकी बढ़िया थी, सारी बात बढ़िया काम करे, वो है गुंडागर्दी नहीं कुछ है, गरीब आदमी को है कोटे फ्री मिले जनता को, और सबको वो भी द्वारे मुल्लों को भी लोन द्वारे सबको द्वारे। अच्छा किसान आंदोलन के दौरान आपके गांव में विरोध हुआ था बीजेपी नेताओं का? हाँ इब कुछ नहीं, हमारे गांव में ना किसी को कुछ कह रहे, हाँ कोई आओ कोई जाओ, काम बढ़िया
काम बढ़िया करे, राणा जी बढ़िया करे। अच्छा अखिलेश यादव भी आए थे कल जयंत चौधरी के साथ? भाई उनका मैं पता नहीं देख, हम गए नहीं, हम बता दें हमारे गांव में जीत है। अखिलेश बोल रहे कि योगी जी के इतने मुकदमे दर्ज हैं, इतने आईपीसी में धाराएं नहीं है। मैं हमें नहीं पता उसकी धाराओं कही हो, पर काम गुस्सा सलाम है। हाँ और कोई पार्टी नहीं है, है, है। सब ये तो ये गया यो आरा कौन सा यो राणा वो कौन है वो थाने भोन की डबा के नाम है उसका शेर सिंह कुछ जीरो भी नहीं कही भी अशरफ है भाई वो भी कुछ अपना है मुल्लों को ज्यादा उठा भाई इस पे। हाँ तो आप किसके साथ जाओगे? हम तो योगी जी के साथ जाओगे। प्रियांशु पवार। अच्छा प्रियांशु आप युवा है जी, युवा किन मुद्दों को लेकर मतदान करने जाएगा? रोजगार जो हमारा पशु दिन माह पढ़ना पड़े, रात को ये बछड़े भी चवागना पड़े, हमें रात पे गन्ना पेमिट पढ़ाई करने के लिए पैसा चाह, पैसा कहाँ से होगा? किसान के बाड़ा के हम, जब पेमिट आओगे हमारे पैसा होगा। तो बेरोजगारी भी है, आवारा पशु से परेशान है यहाँ सब, और गन्ना पेमिट मेन मुद्दा है। सरकार कह रही किसान हित में कार्य करे, हमने लगातार एक भी नहीं करा, एक जो कार्य करा हो किसी ने भी। गन्ना मंत्री का विरोध हमने करा था, गन्ना मंत्री का इतना हिम्मत नहीं है, जो थोड़ा कहना यार इसमें को आन सकता है गाँव भैंसवाड़ में हो, जो गाँव में है ना चमारू में तो एंट्री करे हो। इतनी नाराजगी क्यों है मंत्री जी से? नाराजगी की पेमिट है ना, 14 महीने पेमिट आने को तुख है क्या? वादा था 15 दिन का, खाते हैं 15 लाख, ये जो बका का वोट दे रखी लोगों को, उसका है ना नाराजगी इतनी, नाराजगी है इतनी नाराजगी है। इसे योगी को कम मटमा बाड़ा छोड़ देंगे हम। 10 तारीख को इतना मतदान होगा, नड़का चला की तरफ। योगी जी कह रहे हैं जयंत बच्चा है। अरे योगी क्या है, जयंत बच्चे है। आप बताओ। वो जो तो खंड मत आकर राजनीति कर रहा, वही जब आगे जगह पढ़ वो दिखा भी नहीं, वो आज सब आदमी कहीं में ये बुका हार के वो दिखने करना चल बिना कहीं पे मटमई बाढ़ का छोड़ देंगे हम। योगी जी कह रहे हैं विपक्ष की ये जो गर्मी है चुनावों के बाद ठंडी हो जाएगी। चौधरी साहब ने क्या कहा था, योगी जी का माथा बहुत चौड़ा है, शीतलहर चली थी 8 दिन पहले, वो टकरा रही, सच में टकरा रही वहाँ। अब 10 तारीख को निकल जाएगी, उसके सब पता लग जाएगा। वे उल्टा कह रही है ना, 80-20 उल्टा है, 80 हम है 20 में वे है। तो नल चलेगा, कमल खिलेगा, नल चलेगा, नल पूरी विधानसभा में, पूरे जिले में 3 सीटें हैं, 3 सीट निकलेगी और बहुत भारी मतों से विजय हो गए। और भी तो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी तो दावे करते हैं। राजनीतिक पार्टी बता कौन सी है, गठबंधन है, आम आदमी पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस। देखो बसपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इनका कोई वो नहीं है। चुनाव है भाजपा में और गठबंधन में, ये आपको पता, जनता को पता, सबको पता। हर कोई लिखा पढ़ा आदमी है, वे जमाने जा लिए कि मुस्लिम कैंडिडेट है और मुस्लिम को वोट दे दो, गठबंधन को हरा दो, वो टाइम रहा नहीं। अब हर मुसलमान लिखा पढ़ा है, 1,06,000 वोट है हमारी विधानसभा में मुसलमान की, सारी सभा पर जाके साइकिल पे, और 45,000 जाट है, सब बिरादरी है, बहुत बड़ी बहुत वोट पर विजय बनेंगे हम। अब कह इतनी बड़ी जीत हमारी होनी, दंगा कराने वाले भी तो हुए, दंगा क्यों नहीं हो रहा? जब दंगा कराने वाले सरकारों में बैठ गए तो दंगा बंद होगा, दंगा करने वाले तो खुद ही है, दंगा करने वाले खुद ही है। और अब जनता ने सबना मन बना रखा, इना मट मत तारा का छोड़ देंगे हम। अच्छा रोजगार की या फिर आपने और भी तमाम समस्याएं अपनी गिनाई जी, तो क्या मानते हैं इनसे निजात कौन दिलाएगा? चौधरी साहब गठबंधन, दो युवा नेता है, माननीय चौधरी जयंत सिंह, माननीय चौधरी अखिलेश यादव जी, कल सामने में भी आए हुए थे, बहुत बड़ा जनसलाब था। रात बागपत में कम से कम 1,00,000 आदमी था, रात 11 बजे सड़क पे, तो वह आदमी परेशान है जब सड़क पर खड़ा 11-11 बजे बारिश में, इतनी नाराजगी है। तो नल चलेगा पूरा गाँव, पूरा गाँव बहना 95% वो नल के बजा की। मेरा नाम नवीन जी। नवीन जी, बीजेपी सरकार का कार्यकाल कैसा था? बिल्कुल खत्म। क्या समस्या है? समस्या ही समस्या, एक समस्या गिनो, पहले तो अपनी समस्या गिनवा दूं। कहाँ को आए तुम, कब को आए? हम शाम ले कहीं को बाइक से आए। एक पुल भी देखा होगा यहाँ से, देखा वो विकास है बीजेपी का। सुरेश राणा मंत्री जो हमारा है, हमारे मंत्री जी है, वे नु कह रहे कहना इतने पट्टी मेरा बुला के स्वागत नहीं करे, मैं इतने भी पुल नहीं बढ़वाऊँ। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, यो पुल है इस तय अंत ले गए, और वहाँ चला जा केयर टू भी डोली लो, सारा जुड़ता चला जा इस पुल तक।
तो ये तो है विकास। आवारा पशु गोरनी में देख लेता भी 15 बढ़ रहे खेत में, ठीक है, चाहे जाक का जीडाए मरे रत्तू भाई खेतों में फिरे, इतना बुरा हाल है, अब बहुत बुरा हाल है, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार तमाम दावे करती है, हमने लोगों को जो है कल्याणकारी योजनाएं दी, क्या दिया, गैस दिया, फिर मकान, गैस दिया, उसे भरवाने को कौन देगा, गैस तो दे दिया, पैसे कौन देगा, 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया, बताओ। और सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था, किसान तो अपने से सुरक्षा पहले से अपनी करता आया, किसान की तो सुरक्षा किसी ने करी नहीं, आज लो और ना हुई जैसी पहले थी ऐसी आज है। सुरक्षा तो प्रधानमंत्री से उम्मीद है, गठबंधन से है, गठबंधन से उम्मीद है। हाँ जी, योगी जी तो कह रहे हैं कि जो नए लड़के आए हैं यूपी में इन्हें वापस भेज देंगे, तो योगी जी है उनका अपना सोचना है, वो जैसी वैसे उनकी सोच है वैसा काम कर बोल लेंगे, हमारे वाले बोल रहे हैं युवा है जोश है उनमें, हमारे चौध साहब पे वे आरोप लगा रहे दंगा कराना है, कभी उनके तो बाबा दादा उन्हें दंगा करवाए। योगी जी कह रहे हैं 2013 में जो दंगे हुए थे समाजवादी की टोपी उससे दंगी हुई है, जो 13 के का मसला था वो मसला इन्होंने कवाल कांड करा के बीजेपी वाले ने सोचा बिल्कुल समझा सारा प्रोग्राम तय था ऐसे ऐसे होना, वो इनका कराया गया है। कवाल कांड में मैं मुख्य वहाँ था जब वो गोली चली मुजफ्फरनगर में, क्या हुआ था, सीधी गोली बजी थी, तो इनका करा हुआ है। जितने नेता अपने घर में क्यों नहीं दंगा करवा लेते, अपने घर में भी तो करवा के देखा दंगा, जो किसान लोगों को और किसानों को भिड़वा हुआ आपस में, तो क्या होना चाहिए अब, मैं अब तो RLD बदलाव चाहिए। मेरा नाम संदीप खेवाल है, चुनाव आ रहे हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप गाँव में आए सबसे पहले तो बात है, रही बात चुनाव की, धन्यवाद, चुनाव में मुद्दे बहुत हैं, बात बहुत है, सांझ लो बहस कर सकें, चढ़ के सामने 24 घंटे तक बहस कर सकें, मोटे मोटे से मुद्दे हैं महंगाई का, बेरोजगारी का और आवारा पशुओं का, सुरक्षा सबको पता जैसी है, इस देश में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, यह इस देश की सुरक्षा व्यवस्था है। ऐसा क्यों लग रहा आपको प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी का खुद का वक्त है, वह मैं सुरक्षित बच के आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का, है कि नहीं है, मैं तो नहीं बता रहा, प्रधानमंत्री जी ने खुद बताया, सीमा व्यवस्था सबको पता, चीन ने 600 मकान बनाकर तैयार कर रखे बॉर्डर पे, कोई विचार नहीं है, देश में ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही, जातिवाद में बांटा जा रहा, गुज्जर समाज को राजपूत समाज के सामने खड़ा कर दिया उन लोगों ने, आपस में लड़ाया जा रहा हिंदू हिंदुओं को, सिर्फ वोटों की राजनीति करी जा रही, विकास के नाम पर कुछ नहीं है देश में, महंगाई दर देख लो कहाँ जा रही, बिजली के बिल सरकार यही कह रही थी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, डीजल पेट्रोल सस्ता करा, पैसे नहीं बढ़ रहे क्योंकि चुनावी सीजन है, जैसे ही चुनाव खत्म होगा 100-150 पर जाकर रुकेगा। योगी जी कह रहे हैं कि हम जो है गन्ने की बात करते हैं और वो जिन्ना की बात करते हैं, योगी जी को सबको पता कहीं की बात करें, सारा देश जान रहा, गर्मी निकालने की बात करी थी योगी जी ने करी, गन्ने की बात अगर योगी जी करें तो उन्हीं की बिरादरी का गन्ना मंत्री है सुरेश राणा, खुद का उसका पेमेंट नहीं हुआ, जनता का क्या करवा गए, आप हर क्षेत्र में मिलो लोगों से बात करो पता लगेगा आपको। तो क्या है, क्या होना चाहिए आपके अनुसार, मेरे हिसाब से तो बदलाव जरूरी है, बगैर बदलाव के कभी परिवर्तन नहीं आता। किसे मानते हो विकल्प, विकल्प सबसे बढ़िया पार्टी मेरे हिसाब से तो बिना किसी दाग की पार्टी तो राष्ट्रीय लोकदल है, और हमारा गठबंधन अगर समाजवादी से है भी और उस पर आरोप लगावे गुंडागर्दी का, तो इस तक बड़े गुंडे बीजेपी में है, बीजेपी में इस तक बड़े गुंडे हैं, खुद योगी आदित्यनाथ पर दुनिया भर के मंत्री मुकदमे थे, अपने मुकदमे सरकार में बैठती हुई वापस कराए, संगीत सोम सुरेश राणा सब पर मुकदमे है, ये सब खाम खा की बात है, सिर्फ जाति विशेष का नाम लेगा फंसाया जाएगा दूसरे को, तो अल्लाह मचा दी ना ही दसन है या देखो को लेके कि गुंडों देखो जो सत्ता में रहेगा वो अल्लाह मचा होगा, लेकिन हल्ला का जवाब भी हल्ला ही है, कल आपने देखा होगा चौबी साहब की रैली थी, गठबंधन की रैली थी, एक तरफा संदेश साफ जा रहा बिल्कुल, जो लोग जाटू पर लट्ठी चला रहे थे, किसानों पर लट्ठी चला रहे थे, दलित बिरादरी को खाने के चक्कर में लग रहे हैं, दलित बिरादरी खाने के चक्कर सब चीज़ प्राइवेट में अगर लेकर जाएंगे या जो आरक्षण का मुद्दा है साइड से ही बाइकआउट कर देंगे लोग, साइड से ही जब प्राइवेट में चला जाएगा वहाँ तो कोई आरक्षण नहीं है, दलित बिरादरी कहाँ जाएगी, उन्हें वोट उनके बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी, उन लोगों पर ध्यान देना सिर्फ 5 किलो अनाज देकर उन लोगों को भगा रहे हैं। तो मानते हैं कि जो गठबंधन के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा था वो वोट में तब्दील हो पाया, वोट में तब्दील होगा, और 36 बिरादरी का जनसैलाब था, वो अकेली किसी एक जाति का जनसैलाब नहीं था, उसमें 36 बिरादरियाँ जुड़ी हुई थी,
सबसे ज्यादा लोग इसमें हरिजन लोग सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। अखिलेश जयंत की जोड़ी कमाल करेगी, बिल्कुल 100 के 100 सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, उसमें क्या बात है। क्वेश्चन जैन साहब, चुनाव आ गया एक बार फिर, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, दावे हो रहे हैं, हाँ जी, तो क्या मूड है जनता का? जनता का मूड तो सबका यही है कि बीजेपी ही आए दोबारा। ऐसा क्यों मूड है जनता का? मूड है सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा है, जान है तो जहान है, इसलिए सबको पहले अपनी जान प्यारी है। ये नहीं चाहते कि दोबारा फिर लड़कियाँ छिड़ी जाए, जगह जगह चीर रन हो, ये काम हो, ये नहीं चाहते कोई भी, सबको अपनी सुरक्षा चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव आए थे कल, वो कह रहे थे कि योगी जी पे इतने मुकदमे दर्ज हैं, इतने तो जो है आईपीसी में धाराएं भी नहीं। मुकदमे किस नेता पे नहीं है, ये तो इनके साथ चलते ही रहते हैं। अब मान लिया काम भी करेंगे, ठीक भी काम करेंगे, किसी का नुकसान होगा उसमें किसी का फायदा भी होगा, दोनों चीज़ है। अच्छा, आपके क्षेत्र में बीजेपी सरकार में किस प्रकार के फायदे मिले? सबसे पहले तो सुरक्षा का एक मिला, दूसरा विकास का भी मिला, अच्छा बहुत सुनवाई भी ठीक रही बहुत। अखिलेश जयंत की जोड़ी, अरे कुछ नहीं, क्या है, देख रखी है, पहले देख ही नहीं क्या हमने अखिलेश को, क्या रहा, क्या राज किया? मायावती नहीं, मायावती नहीं, कोई पार्टी नहीं, वो नहीं चल पाएगी, उसको तो है ही नहीं कहीं पे। टक्कर किस किस की मानते हैं भाई? हम तो बीजेपी के सामने किसी की नहीं मान रहे इस टाइम, किसी को नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, आरएलडी को भी नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।